सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में आपने मीराबाई द्वारा रचित पदों को पढ़ा। आज उसी क्रम में आगे चलते हुए हम मीराबाई के पद का अभ्यास पढ़ेंगे। छात्रों, पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? तो इसका उत्तर रहेगा, मीरा कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करती है। उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, वे उसे अपना पति मानती है। कृष्ण के अतिरिक्त मीरा और किसी से प्रेम नहीं करती। अपने प्रिय कृष्ण के लिए उन्होंने उनकी मर्यादा को भी छोड़ दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये चार पंक्तियाँ दी गई हैं, पहले दो पंक्तियों का, फिर दूसरी दो पंक्तियों का। अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल होई। पहले इसका भाव देख लेते हैं हम। इसका भाव सौंदर्य रहेगा, मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब प्रेम रूपी लता काफ़ी फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। तात्पर्य यह है कि मीरा ने सामाजिक विरोध का सामना करते हुए कृष्ण की भक्ति की है। वे कृष्ण भक्ति में इतनी विलीन हो गई कि अब उनको असीम आनंद की प्राप्ति हो गई है, जिसका शिल्प सौंदर्य रहेगा। छात्रों, शिल्प रहता है बनावट से संबंधित। पूरे पद में रूपक अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है या है। दूसरा है, राजस्थानी शब्द मिश्रित ब्रज भाषा का सफल प्रयोग है। तीसरा, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, इसे गाया जा सकता है। अब दूसरी दो पंक्तियाँ, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मधी घृत काढ़े लियो डारी दही छोई। इसका भाव सौंदर्य रहेगा, मीरा का कहना है कि उसने प्रेम रूपी दूध को अनन्य प्रेम की मथनी से बिलोया है। उसने दही को मथ कर घी निकाल लिया है और छाछ को फेंक दिया है। भाव यह है कि मीरा ने प्रेम भक्ति द्वारा कृष्ण भक्ति के सार तत्व को ग्रहण कर लिया है और सारहीन तत्वों को छोड़ दिया है। इस तरह मीरा पूर्णतया कृष्ण भक्ति में लीन हो गई है। शिल्प सौंदर्य देखिए, अनुप्रास तथा रूपक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। राजस्थानी शब्द मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है तथा शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावानुकूल है। तीसरा है, प्रसाद गुण और शांत रस का परिपाक है। चौथा है, इस पद में गेयता तथा संगीतात्मकता विद्यमान है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3, लोग मीरा को बाउरी क्यों कहते हैं? उत्तर है, विवाहिता होते हुए भी मीरा श्री कृष्ण से प्रेम करती है। अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वह कृष्ण के सामने नाचती है। वह श्री कृष्ण को अपना पति मानती है और अपने कुल की मर्यादा की परवाह नहीं करती। यही नहीं, लोक लाज त्याग करके संतों के पास बैठती है, इसलिए लोग मीरा को बावली या बावरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? तो इसका उत्तर रहेगा, मीरा कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन परिवार के लोग यह पसंद नहीं करते थे। राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा, परंतु कृष्ण से प्रेम करने के कारण मीरा निर्भय हो चुकी थी। उसने हंसते हंसते विष का प्याला पी लिया। यहाँ व्यंग्य द्वारा कवित्री ये कहना चाहती है कि मोह माया में फंसे हुए लोग कृष्ण के प्रेम को नहीं जानते। वे समझते हैं कि शरीर के नष्ट हो जाने से प्रभु प्रेम भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन ईश्वर का प्रेम अनश्वर होता है, कभी न नष्ट होने वाला होता है। जो लोग निर्भय होकर
अनश्वर भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उन्हें वे सहज प्राप्त हो जाते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? जिसका उत्तर है, मीरा भगत को देखकर प्रसन्न होती है और संसार को देखकर रो पड़ती है। भगत का ईश्वर से सच्चा प्रेम होता है और वे समर्पण भाव से भगवान की भक्ति करता है, लेकिन संसार के लोग उसे कुल नाशिनी कहते हैं, इसलिए मीरा संसार को देखकर रोती है, वह सांसारिक मोह माया से दूर है। छात्रों, आज हमने मीराबाई के पद की एक्सरसाइज को पढ़ा। धन्यवाद। नमस्कार।